The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Forensic Classes by Diksha and make your NET Forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. Application के लिंक आपको description में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे download कर सकते हैं. आप Play Store से भी इसे download कर सकते हैं and App Store से भी इसे download कर सकते हैं. जैसे आप application download करेंगे, आपको login करना होगा. login करने के बाद आप store पे click कर सकते हैं. store में आपको course list मिलेगी. इस course list में से आप अपना desired course select कर सकते हैं and enroll कर सकते हैं. For example, अगर मैं Forensic Science and Net की preparation कर रही हूँ, तो मैं Forensic Science Net का course select करूँगी. अगर मैं Criminology की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ या मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल है. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल है. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की कर रहे हैं फॉरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. फॉरगेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं, video lectures, PDF, study material, mock test, PVRC और question paper, everything. Study material course में आपको सिर्फ और सिर्फ study material, previous year question papers और mock test मिलते हैं, video lectures उसमें included नहीं होते हैं. So that's the basic difference between video lecture course and study material course. So it's clear now, you can join these classes according to your preparation and start preparing with us. ऐसे क्या होते हैं, इम्यूनो एसेज आर द बायोलॉजिकल टेस्ट. क्या होते हैं ये बायोलॉजिकल टेस्ट हैं. बायोलॉजिकल टेस्ट क्यों, क्योंकि ए जी ए बी इंटरैक्शन और रिएक्शन हो रही है. ए जी स्टैंड फॉर एंटीजन, ए बी स्टैंड फॉर एंटीबॉडी. तो कहीं भी आपको ए कैपिटल जी दिखे तो आपको कंसिडर करना है दिस इज एंटीजन, और कहीं पे ए कैपिटल बी स्मॉल दिखे तो आपको ये कंसिडर करना है एंटीबॉडी. ठीक है, तो एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरैक्शन होता है, बायोलॉजिकल टेस्ट है दैट मेजर द प्रेजेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल. तो ये क्या एग्जामिन करता है, इम्यूनोएसिस क्या एग्जामिन करता है, इट मेजर्स द प्रेजेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन. तो प्रेजेंस और कितना अमाउंट ऑफ प्रेजेंस है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का या माइक्रो मॉलिक्यूल का, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल आपके सल्यूशन में या फिर आपके बायोलॉजिकल सैंपल में, आपके बायोलॉजिकल सैंपल में वो माइक्रो मॉलिक्यूल या स्मॉल मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन क्या है और प्रेजेंस है भी या नहीं है, प्रेजेंस है या एब्सेंस है, ये भी आप चेक करने के लिए इम्यूनो एसेस यूज़ करते हैं थ्रू द यूज़ ऑफ एंटीबॉडी. यूजुअली आप एंटीबॉडी की हेल्प से एग्जामिन करते हैं कि प्रेजेंस है या एब्सेंस है उस पर्टिकुलर बायोलॉजिकल सैंपल में एंटीजेंस का, या फिर वो पर्टिकुलर माइक्रो मॉलिक्यूल जिसका एग्जामिनेशन आप कर रहे हैं और एंटीजन. तो समटाइम्स इट इज़ एंटीजन, अदर टाइम्स इट इज़ नॉट, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि एंटीजन ही होगा, बट येस थ्रू एंटीबॉडी. यूजुअली आप एंटीबॉडी की हेल्प से एंटीजन्स को के प्रेजेंस और एब्सेंस को चेक करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमाउंट आप चेक करते हैं, और जिनमें एंटीजन या एंटीबॉडी का इन्वॉल्वमेंट हो गया तब वो कहलाते हैं इम्यूनो एसेज. तो बेसिकली वी हैव फाइव टाइप ऑफ इम्यूनो एसेज. कौन कौन से हैं वो इम्यूनो एसेज. फर्स्ट है एंजाइम इम्यूनो एसे. तो एंजाइम इम्यूनो एसे में एंजाइम वर्ड सबसे अलग और स्पेसिफिक नज़र आ रहा है आपको, तो आप कुछ एंजाइम्स यूज़ करेंगे. रेडियो इम्यूनो एसे में आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ करेंगे. आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ करेंगे. फ्लोरोसेंस इम्यूनो एसे और फ्लोरो इम्यूनो एसे में क्या करेंगे, आप वो सब्सटेंस यूज़ करेंगे जो फ्लोरोसेंस देते हैं. कैमिल्यूमिनेसेंस ऐसे में भी आपको इल्यूमिनेशन देखने को मिलेगा या ल्यूमिनेसेंस देखने का, ल्यूमिनेसेंस फिनोमेना देखने को मिलेगी. एंड देन लास्ट में आएगा काउंटिंग इम्यूनो एसेज. तो ये बेसिकली फाइव टाइप ऑफ इम्यूनो एसेज आपके पास है, जिनमें आप डिफरेंट एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन देखेंगे टू चेक द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द पर्टिकुलर एंटीजन और माइक्रोमोलिक्यूल एंड कॉन्सेंट्रेशन और अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटीजन एंड
मैक्रो मॉलिक्यूल और स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो रेडियो इम्यूनो एसे सबसे पहले डेवलप हुआ था, कौन सा इम्यूनो एसे सबसे पहले डेवलप हुआ था, रेडियो इम्यूनो एसे सबसे पहले डेवलप हुआ था, बट ये स्पेशल इंस्ट्रूमेंट और स्पेशल अरेंजमेंट, सॉरी इंस्ट्रूमेंट नहीं, बट रेडियो इम्यूनो एसे को स्पेशल अरेंजमेंट चाहिए बिकॉज ये हाफ लाइफ पे वर्क करता है, हाफ लाइफ रेडियो आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं इसमें। इम्यूनो एसेज जो कि हमने पढ़ा था, इम्यून रिस्पॉन्स कॉज बाय एंटीजन, तो जब इम्यून रिस्पॉन्स होता है एंटीजन, एंटीजन क्या होता है, एंटीजन is any foreign substance, ऐसी कोई भी outer substance और foreign substance हो सकता है जब वो आपके body में enter होता है, तो ये antigen कोई protein हो सकता है, ये कोई antigen bacteria हो सकता है, ये कोई virus हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, एंटीजन कैन बी एनीथिंग। तो वो कोई भी आउटर सब्सटेंसेस जो बॉडी में एंटर करने के बाद इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं और इससे एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडी रिएक्शन बनती है। तो एंटीबॉडी बनती है इस एंटीजन को बाइंड करने के लिए, इस एंटीजन को ख़त्म करने के लिए, फॉरेन सब्सटेंस को हटाने के लिए। तो फॉरेन सब्सटेंस जो भी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है, तब ये इम्यून एसे कहलाता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग पे बेस्ड है। बेसिक प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है, कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग पे बेस्ड है। किन किन के बीच कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग हो रही है, बिटवीन द फिक्स अमाउंट ऑफ लेबल्ड एनालाइट, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लेबल्ड एनालाइट जिसे आप कह सकते हैं, जिसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपको मेजर करना है। तो एनालाइट है आपका सैंपल, सैंपल एनालाइट है, तो ये फिक्स अमाउंट पे है। ये किस अमाउंट पे, ये फिक्स अमाउंट में है, एंड अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ अनलेबल्ड सैंपल, और वेरिएबल अमाउंट ऑफ अनलेबल्ड अनलेबल्ड सैंपल वेरिएबल अमाउंट में होगा फॉर द लिमिटेड अमाउंट ऑफ बाइंडिंग साइट्स, और जो बाइंडिंग साइट्स है लिमिटेड है, जो बाइंडिंग साइट्स क्या है, वो बाइंडिंग साइट्स लिमिटेड होते हैं, और ये जो एंटीजन एनालाइट और एंटीबॉडीज होते हैं, ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं टूवर्ड्स वन अनदर। तो आप ये समझ जाओ आपके पास चेयर्स लिमिटेड है, आपके पास कितनी चेयर्स हैं, आपके पास 10 चेयर्स हैं, आपके पास 10 चेयर्स हैं, और 10 पीपल आपके पास है यहाँ पे जो अनलेबल्ड है, 10 पीपल है यहाँ पे जो कि लेबल्ड है। तो ये जो 10 पीपल फिक्स्ड अमाउंट वाले सैंपल से आ रहे हैं या जो लेबल्ड सैंपल से आ रहे हैं, तो टोटल 20 पीपल हैं, और आपके पास चेयर्स कितनी है, 10 चेयर्स हैं। तो इन 10 चेयर्स में ही कोई भी 10 पीपल बैठ सकते हैं, इधर इट कैन बी लेबल्ड सैंपल्स में से भी, या तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैंपल जो कि लेबल्ड नहीं है उनमें से भी बैठ सकते हैं। तो फिर कितनी चेयर्स कंज्यूम हुई फ्रॉम द अनलेबल्ड सैंपल्स और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैंपल, वो आपको एनालाइज करना है, और तभी आपको पता चलता है कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कॉन्सेंट्रेशन और प्रेजेंस और एब्सेंस पता चलती है। प्रेजेंस और एब्सेंस भी इन्हीं इंटरैक्शंस और बाइंडिंग साइट्स में जाके जब एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड होते हैं तभी आपको पता चलता है। रिक्वायरमेंट क्या होती है, रिक्वायरमेंट आपको होती है कि आपके पास एंटीबॉडीज होनी चाहिए, एंटीबॉडी ज़रूरी है, एंटीबॉडी के साथ साथ एंटीजन होना भी जरूरी है जो कि एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती है। कुछ ऐसे सब्सटेंस चाहिए जो कि सिग्नल्स जनरेट कर सके, क्या कर सके, सिग्नल्स जनरेट कर सके और इंडिकेट कर सके कि बाइंडिंग हुई है, या अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इंडिकेट कर सके। इसके अलावा सेपरेशन मैट्रिक्स होता है, तो सेपरेशन मैट्रिक्स कोई भी ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें ये सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस होनी है। तो सेपरेशन मैट्रिक्स आई थिंक माइक्रोपिपेट वेल होता है, आई थिंक माइक्रोपिपेट नहीं बोलना चाहिए, माइक्रोपिपेट नहीं कह सकते हम, सॉरी माइक्रोटाइटर वेल, माइक्रोटाइटर वेल आपका सेपरेशन मैट्रिक्स होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये ऐसा कुछ वेल दिखता है, ये ऑलरेडी प्रिपेयर रहता है। तो ये वो सरफेस होता है, ये माइक्रोटाइटर वेल का जो सरफेस होता है वो, उसमें ये क्वालिटी होती है कि आपके एंटीजन और एंटीबॉडी आके यहाँ पे बाइंड कर सके। इसके सरफेस में एंटीजन और एंटीबॉडी आके बाइंड कर सकते हैं,
क्या कर सकते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी आके बाइंड कर सकते हैं, और यही होती है सब सेपरेशन मैट्रिक्स। तो सेपरेशन भी इसी मैट्रिक्स, यही बेस है मैट्रिक्स का, तो इसे सेपरेशन मैट्रिक्स कहेंगे। तो पहले आपके पास एंटीबॉडीज होना ज़रूरी है, एंटीजन्स होना ज़रूरी है, कुछ ऐसे लेबल्स होना ज़रूरी है जो कि सिग्नल प्रोड्यूस करे, और सेपरेशन मैट्रिक्स होना ज़रूरी है जिसे जिसे हम परफॉर्म करते हैं माइक्रोटेटर वेल में।